Hello everyone, I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and I am here to discuss with you all the history, significance and theme of International Women's Day, which is annually celebrated on 8th March, and I will discuss the theme of year 2024 with all of you. So let's start. International Women's Day. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या इतिहास है इसका, कब से शुरू हुआ, क्या कारण है इसके मनाने का, इसकी महत्ता क्या है और क्या थीम है और कौन है जो इसकी थीम डिसाइड करता है और हर साल उसी थीम के अकॉर्डिंग पूरे विश्व भर में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो अगर इसके इतिहास पर एक नज़र डालें तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इमर्ज्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ लेबर मूवमेंट्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप इन द 20th सेंचुरी। यानी कि यूनेस्को के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो इमर्ज हुआ है, वो उत्पन्न हुआ है, उसका उद्भव हुआ है। क्यों? जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में 20वीं शताब्दी में जो लेबर मूवमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि श्रम आंदोलन चले, उनकी एक्टिविटीज के बाद। तो कब पहला मनाया गया? द फर्स्ट नेशनल वुमेन्स डे वॉज ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन फेब्रुअरी 28, 1909। यानी इस तरह से देखा जाए तो 100 वर्ष से पुराना है, लेकिन ऑफिशियली बाद में शुरू हुआ मनाया जाना। तो जो पहला मनाया गया फर्स्ट नेशनल वुमेन्स, अच्छा ये नेशनल वुमेन्स डे, ध्यान देने की बात, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया गया, बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कराया गया है, इसीलिए तारीख भी बदल गई है इसकी। तो जो पहला मनाया गया वो राष्ट्रीय था, यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया गया, 28 फरवरी 1909 को शुरू हुआ, पहली बार मनाया गया इन कॉमेमोरेशन ऑफ दी 1908 गारमेंट वर्कर स्ट्राइक इन न्यूयॉर्क, ड्यूरिंग विच वुमेन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हार्श वर्किंग कंडीशंस। यानी कि 1908 में न्यूयॉर्क में जो पोशाक के कामगार थे, उसमें काम करते थे, उन्होंने स्ट्राइक की और महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, क्योंकि जो एकदम कठिन वर्किंग कंडीशंस उनके सामने रखी गई थी उसके विरोध में महिलाओं ने, गारमेंट वर्कर्स जो थी, उन्होंने स्ट्राइक की, हड़ताल की, और उसी की याद में 28 फरवरी 1909 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उसके बाद क्या होता है, The United Nations Charter of 1945 became the first international agreement to affirm equality between men and women. बाद में 1945 में जब ये United Nations का charter आया, तो ये एक पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, आप कह सकते हैं ये agreement था, जिसने ये सुझाया, इस पे positive response लिया सबका, कि men और women, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता होनी चाहिए। Later on March 8, 1975, during International Women's Year, अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष चल रहा था, उसमें यूनाइटेड नेशंस ने पहला ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कब? 8 मार्च 1975 को। यानी कि 1975 से ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सिंस देन द यूएन हैज बिकम द प्राइमरी स्पॉन्सर ऑफ द एनुअल इवेंट। तब से यूनाइटेड नेशंस जो है इसका प्राइमरी स्पॉन्सर है, इस राष्ट्रीय घटना का, मतलब वार्षिक घटना का, एंड हैज इनकरेज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एम्ब्रेस इट्स गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग एक्ट्स ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन बाई ऑर्डिनरी वुमेन हु हैव प्लेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल इन द हिस्ट्री ऑफ देयर कंट्रीज एंड कम्युनिटीज। यानी कि पहला 28 फरवरी 1909 को मनाया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि राष्ट्रीय महिला दिवस था। क्यों मनाया गया? क्योंकि 1908 में जो गारमेंट स्ट्राइक वर्कर्स ने स्ट्राइक की न्यूयॉर्क में, क्यों? क्योंकि हार्श वर्किंग कंडीशंस जो थी उनके खिलाफ। फिर यूनाइटेड नेशंस चार्टर आता है 1945 में, जो ये संधि करता है कि ये प्रस्ताव पारित करता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता होनी चाहिए। उसके बाद 8 मार्च 1975 को यूएन पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाता है, और उसके बाद से यूएन ही इसका प्राइमरी स्पॉन्सर है, और ये इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है देशों को कि आप जो जो साधारण महिलाएं प्रतिदिन अति साधारण काम करती हैं अपने देश, अपने समुदाय के में जो भूमिका निभाती हैं, उस करेज को, उस साहस को, उस डिटर्मिनेशन को, उस जो निश्चित एकदम उनका सुदृढ़ीकरण है, जो वो इनका दृढ़ निश्चय है, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, उसको मनाइए। ओके, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ए ग्लोबल इवेंट, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, कई जगह छुट्टी भी होती है। फोकस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। और इसमें आप, चूंकि ये खास दिन है महिलाओं के लिए, तो आप पहचानिए उन महिलाओं को जिन्होंने आप कह सकते हैं राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, सामाजिक कुछ उन्होंने बहुत
खास उपलब्धियां हासिल की हैं उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उस पर फोकस करिए. IWD means International Women's Day serves as an opportunity to raise awareness. और ये दिन इसलिए भी है कि आप एक जागरूकता का निर्माण हो सके, जागरूकता पैदा की जाए किसके खिलाफ, किसके लिए, जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ और जेंडर इक्वालिटी इश्यूज के लिए कि लैंगिक समानता मिले, पुरुष और महिलाओं में भेद ना हो. ऐसे बहुत से नियम बने हैं, बहुत आंदोलन हुए हैं तब ये सब कुछ इतना आपको स्मूथ दिख रहा है जितना आप दिखता है. एंड एडवोकेट फॉर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड. और हम मतलब एडवोकेट आप अधिवक्ता को कहते हैं ना, तो एडवोकेट का मतलब कि आप अधिकार से ये बात कह सकें, एडवोकेट कर सकें, उसको उस पे मुहर लगा सकें अपनी, कि हम उस तरफ उन्नति करें. किस तरफ? जहां पे हमको एक ज्यादा समता मूलक संसार मिले, यानी कि वहां भेदभाव ना हो. थ्रू वेरियस इवेंट्स एंड इनिशिएटिव्स, बहुत सारी इसलिए घटनाएं की जाती हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. IWD empowers individuals and communities to learn about the challenges women face and work towards solutions. भाई अगर आप महसूस नहीं कर सकते हैं तो आपको बताया जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो सारी चुनौतियां जो महिलाएं फेस करती हैं, और हमको काम करना है उस तरफ जहां पे उन चुनौतियों के समाधान हों. इट इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी टू क्रिएट ए बेटर सोसाइटी फ्री ऑफ जेंडर बायस. और ये किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि हम ये संदेश जो है वो प्रसारित कर सकें कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, लिंग के आधार पर कोई विषमता नहीं होनी चाहिए, जिससे हम इस तरीके के समाज का निर्माण कर सकें जहाँ कोई लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं हो, हम किसी बायस से ग्रसित ना हों, हम किसी एप्रिहेंशन में ना फंसे हों, हम किसी मिथ में ना फंसे हों कि लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है तो ये कर सकती है. Everybody is an individual and has unique potentialities and capability within. तो आप इंडिविजुअल समझिए, क्यों जेंडर के हिसाब से आप अलग अलग समझ रहे हैं. ओके, द डे सेलिब्रेट्स विमेन एंड एड्रेसेस इश्यूज सच एज विमेन्स इक्वल राइट्स, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स. ये दिन ये भी मनाता है कि जो महिलाएं हैं उनकी उनकी जो खासियत है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो उपलब्धियां हैं उसको मनाया जाए और उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए जहां पर उनके संग विषमता होती है. जैसे महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले, उनके खिलाफ वायलेंस ना हो, हिंसा ना हो, अब्यूज ना हो उनके खिलाफ, और उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स मिले. आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो फेमिनिज्म की तो बहुत आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी विषमताएं थी और कितने आंदोलनों के बाद, कितने प्रयासों के बाद ये आपको अधिकार मिले हैं. अदरवाइज ये राइट्स विमेन को नहीं थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं थे. हमको ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में नहीं थे, कहीं नहीं थे, बल्कि हमारे यहाँ तो कई कानून बहुत पहले आए हैं. ओके, और थीम हर साल यूनाइटेड नेशंस इसकी थीम डिसाइड करता है. दिस इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च 2024 जॉइन द यूनाइटेड नेशंस इन सेलिब्रेटिंग. अनदर थीम, इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस. वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं में इन्वेस्ट कीजिए. महिलाओं में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आप उनको पढ़ाइए लिखाइए, अपने आप ही चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से चल रहा है, ताकि उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो जो प्रोग्रेस होगी आपको एक्सेलरेट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अगर आप मेन में इन्वेस्ट करते हैं तो. और टारगेटिंग क्या है? इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट. जो हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमारा जो GDP में हिस्सेदारी कम है, हमारी जो प्रतिभागिता कम है, हम जो ज्यादा काबिल होते हुए भी अक्सर हमको इकोनॉमिकली हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, वो इनकी थीम है. However, the campaign theme for the same year is inspire inclusion. यानी कि inclusion को inspire कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि समावेश हो सके. किसका समावेश हो सके? महिलाओं का समावेश हो सके, हर जगह हर हिस्सेदारी उनकी सुनिश्चित हो सके. तो inclusion एक बड़ा टर्म है, लेकिन यहाँ चूंकि वुमेन्स डे के लिए ये थीम है तो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए है, तो कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन है, जिसके अंदर इनको थीम किस क्या थीम डिसाइड की है UN ने, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस. ओके, द कैंपेन थीम इंस्पायर्स इंक्लूजन एंड एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड एम्पावरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. यानी कि समाज के हर पक्ष में हम महिलाओं को सशक्त बना सकें और जितनी भी विभिन्नताएं हैं उसको इंपॉर्टेंस दी जाए. दिस ईयर्स कैंपेन थीम अंडरस्कोर्स द क्रूशियल रोल ऑफ इंक्लूजन इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी. वो कह रहे हैं कि अगर आप इंक्लूड करेंगे तो हम लैंगिक समानता को पा सकते हैं. इट कॉल्स फॉर एक्शन टू ब्रेक डाउन बैरियर्स, चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड क्रिएट एनवायरनमेंट्स वेयर ऑल वुमेन आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड. कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो अवरोध हैं उनके मार्ग में, वो तोड़े जा सके. जो स्टीरियोटाइप सेट है, यही 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 सिर्फ कर सकती हैं लड़कियां, ये ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं, या महिलाएं इसमें बेहतर नहीं हो सकती, उनको चुनौती देनी है. यानी कि हमको उसको ओवरकम करना है एंड क्रिएट एनवायरमेंट्स और इस तरीके के वातावरण का निर्माण करना है जहां पे सभी महिलाओं की का मूल्य निर्धारित हो, मतलब उनको मूल्य दिया जाए, वो डीवैल्यूड ना हो और उनकी रिस्पेक्ट हो. द
The world is facing many crises, ranging from geopolitical conflicts to soaring poverty levels and the escalating impacts of climate change. कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं, द्वंद हैं, गरीबी है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि बहुत वातावरण खराब हो गया है, पर्यावरण. दीज चैलेंजेस कैन ओनली बी एड्रेस्ड बाई सोल्यूशंस दैट एम्पावर वुमेन. हम इन चैलेंजेस को तभी एड्रेस कर सकते हैं जब हम महिलाओं को सशक्त करें. क्यों भाई? क्योंकि जनसंख्या में तो आधी प्रतिशत की भागीदारी है ना, तो आप जब आधा हिस्सा आपका कमजोर रह जाएगा तो पूरा शरीर तो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता. By investing in women, we can spark change and speed the transition towards a healthier, safer and more equal world. अगर हम women में invest करेंगे तो वो बदलाव आएगा, वो परिवर्तन आएगा जिससे कि गति मिलेगी. किसको गति मिलेगी? एक बेहतर, सुरक्षित और equal समाज के, संसार के निर्माण को गति मिलेगी. Investing in women and championing gender equality turbocharges a future where everyone in society can thrive, creating a world of boundless opportunity and empowerment for all. वो कह रहे हैं कि अगर आप विमेन में इन्वेस्ट करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी आएगी और एक इस तरीके के भविष्य को टर्बोचार्जेस, मतलब और बढ़िया एकदम पावर मिल जाएगी ऐसे भविष्य के निर्माण में जहां समाज में सभी लोग उन्नति कर सकें, एक कोई सीमाएं ना हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिले और सभी का सशक्तिकरण हो सके. सो इन दिस वे आई डॉक्टर रश्मि सिंह विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. ओके, थैंक यू.